राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में सैनिक वीर नारी सम्मान और सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया। बता दें कि इस वीर नारी सम्मान समारोह में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस सदस्यता अभियान समारोह कार्यक्रम में करीब 500 पूर्व सैनिकों ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। इसी क्रम में पूर्व सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण कर यूकेडी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा, पूर्व सैनिकों ने देश के लिए अपने जीवन के अहम पल दिए हैं, उनके योगदान को कोई भी भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि यूकेडी में 500 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के शामिल होने से संगठन को काफी मजबूती मिलेगी, जिसके तहत यूकेडी राज्य के विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देहरादून में अभी तो श्रीनगर, पौड़ी, गोपेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से प्रत्येक जगह से घंटियां आ रही है। हम प्रत्येक जिले में जाके पूरा इससे भी भव्य सैनिक सम्मेलन करेंगे, तो शुरुआत का मामला है। और पूरे सैनिक जो है बहुत भारी संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सब समझ चुके हैं, सब पढ़े लिखे हैं कि ये बारी बारी के चक्कर में उत्तराखंड का कितना हित हो चुका है, अब हम सहन नहीं करेंगे। आज 17 दिसंबर 2023 को यहाँ देहरादून में टुनवाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये तकरीबन 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और इसमें जितने भी भूतपूर्व सैनिक थे, वीर नारियाँ थी, अवार्ड विनर्स थे, कुछ ऐसे अचीवर्स जिन्होंने ज़िंदगी में बढ़ चढ़ के काम किया है, उन सबको यहाँ पर ऑनर किया गया और उसके बाद सबको यहाँ पर पार्टी की सदस्यता दी गई। बहुत भव्य प्रोग्राम था ये, इसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 500-600 लोग इसमें जिन्होंने भाग लिया और इसमें हमने वीर नारियों को, हमने जो अवार्ड विनर्स थे उनको और जो बच्चे या जो अचीवर्स थे लाइफ में उनको यहाँ पर ऑनर किया और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे अध्यक्ष जो हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पूरन सिंह कठैत, उन्होंने भी सबको संबोधित किया